अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो अदर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब हम देखेंगे इंटरवल एंड रेशियो, ये कौन से लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, हम इनको किस तरीके से डील करते हैं और ये डेटा कलेक्शन में हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स जंप इनटू इट। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली दो लेवल ऑफ मेजरमेंट आज हमने देखने, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। और आज जो हम देखेंगे पहला है इंटरवल और दूसरा है रेशियो। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में जो देखे थे वो ये दो थे, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। आज हम देखेंगे इंटरवल, इसके आगे आप स्केल भी लगा सकते हैं और रेशियो स्केल भी लगा सकते हैं। बड़ी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। हमारे पास दो किस्म के ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये सारे का सारा डेटा जो है वो न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इंटरवल एंड रेशियो जो होता है ये बेसिकली न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर हमें सारे का सारा डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा होता है आप इंटरवल और रेशियो स्केल के अंदर उसको मेजर करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों स्केल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं लेट मी सी, ये मेरे पास गलत जो कॉपी है वो आ गई है। एक्चुअली ये दिस इज पार्ट ऑफ द बुक जो मैंने रिसेंटली पब्लिश की है, आप में से काफी लोगों से जानते भी हैं, मैं आपको इसकी कॉपी फ्री में देने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इंटरवल स्केल की हम बात करते हैं। इंटरवल स्केल क्या होता है, मैं हाईलाइटर यहाँ से पकड़ लेता हूँ। इंटरवल स्केल जो है ये बेसिकली वक्त के फासले का पैमाना है, यानी कि इसके अंदर हम वक्त का फासला देखते हैं कि वक्त का फासला कितना है, यानी कि कितना इंटरवल की बेस पे कोई काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरवल स्केल न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आता है, ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। तो पहला हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है न्यूमेरिकल वैल्यूज, और इसमें इक्वल इंटरवल्स या डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई काम जनवरी में किया, दूसरा काम फरवरी में मेजर होना चाहिए, तीसरा मार्च में, चौथा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से चलना चाहिए, या आपके पास एक साल का डिफरेंस होता है या ऐसे ज्यादा होता है। अब इस डिफरेंस को ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता, यानी कि इसका ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक स्केल है जिसका नाम है, मैं यहां पर लिखता हूं टेम्परेचर का स्केल, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है इट डजंट मीन कि ये एक्चुअल में जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई चीजें जो है वो ठंडी रह सकती हैं, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नीचे जाती जाती है। और इस तरीके से और भी डिफरेंट किस्म की हमारे पास वैल्यूज होती हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर सेल्सियस या फॉरनहाइट में गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है, मतलब लाइट नहीं है तो अंधेरा है, बट डजंट मीन के जीरो लाइट है, लाइट है थोड़ी बहुत है अंधेरे में भी, बट वी कैन नॉट सी दैट। सेम पॉइंट इज हियर, आपका पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर गायब हो गया, टेम्परेचर सर हमने निकाल दिया, डजंट मीन दैट। यानी कि 0 पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, दैट इज वाई वी नीड टू मेजर दीज काइंड ऑफ वैल्यूज ऑन इंटरवल स्केल। ये सिर्फ एक पॉइंट है स्केल पर, ठीक है, और इसी वजह से इसको इंटरवल स्केल बोला जाता है। अब डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के अंदर इसका क्या यूज है, डेटा में वेरिएशन को समझने और एनालाइज करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंजेस की स्टडीज को हम मेजर करने के लिए इंटरवल स्केल का जो है वो सहारा लेते हैं। इंटरवल स्केल जो है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद है, यानी कि अगर आपने कोई काम, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, आपने एक स्पेसिफिक टाइम में किया तो दूसरा काम उससे स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 2024 में जो काम किया है उसको मैं कंपेयर करूँ 2023 के काम के साथ, फिर उसी को कंपेयर करूँ मैं 2022 के काम के साथ, फिर 2021, फिर 2020। अब आपको पता है कि 2020 का जो काम है वो टोटल वेरिएशन में आएगा 2020 से 2021 बिकॉज ऑफ COVID-19। तो इस तरह की चीजें जो हैं हमें डेटा को एनालाइज करने में और भी ज्यादा हेल्प करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये डेटा जो मेजर होता है ये टाइम सीरीज के डेटा के अंदर भी आता है। टाइम सीरीज का डेटा क्या होता है, जब आप एक स्पेसिफिक टाइम की बेस पे चीजों को देखते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी मेजरमेंट। अब ऑब्वियसली टाइम सीरीज के डेटा के अंदर टाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं तो 0 से जब आप 1 पे गए हैं, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए हैं, तो आपके पास इक्वल इंटरवल्स यहां पे मौजूद होते हैं और 0 की वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं होती। इसकी और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, अगर आपको कोई एग्जांपल्स याद है तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट या राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
सेकेंड है हमारे पास रेशियो स्केल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट. यानी कि डेटा कलेक्ट करते वक्त आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल्स फ्रॉम ऑल दीज फोर स्केल्स. इसको तनासुबी पैमाना भी बोला जाता है, यानी कि तनासुब को हम इसके अंदर देखते हैं. डेफिनेशन इसकी क्या है, रेशियो स्केल्स इंटरवल स्केल की तरह होता है, लेकिन इसमें एक एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता है. अब इसमें जीरो एब्सोल्यूट होगा, इसमें जीरो एब्सोल्यूट नहीं था. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल आप घर से निकले, आप कोई दही या अचार या आटा लेने गए हैं, ठीक है, या आप कोई ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए हैं. आप, ये आपका घर है, मैं यहाँ पे घर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका घर है. आप यहाँ से गए हैं जनाब आटा लेने, आटा लेने गए हैं, तो ये आपके पास एक शॉप है, शॉपकीपर हो आप, जाओ कहते हैं कि आटा दे दें. अब यहाँ से जब आप चले हैं, यहां तक का डिस्टेंस मेजर करें तो फॉर एग्जांपल 15 मीटर बनता है अगर आपके बिल्कुल पास है, या 150 मीटर कह दें. 150 मीटर डिस्टेंस जो है ये एक डिस्टेंस है. जब आप वहां पे गए हैं शॉप पे, तो आपने 150 मीटर का डिस्टेंस तय किया, और अब आप वापस आए फिर भी आप 150 मीटर का डिस्टेंस तय करते हैं. लेकिन जब आप घर में हैं, तो घर के अंदर पहुंचते पहुंचते यहां से जब आप चले हैं ना, तो 150 से डिस्टेंस आपका कम होता गया. कम होते 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 जब आप घर पहुंच गए, तो आपका जीरो डिस्टेंस हो गया. दैट इज वाई इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता है. और ये बंदा जो घर से चल के दही लेने गया है या कोई भी चीज लेने गया, दैट मींस इस बंदे ने इतना डिस्टेंस कवर किया है. हो सकता है ये फीमेल भी हो, कोई हो सकता है ये मेल भी हो. सो वी आर गोइंग टू बी अ जेंडर न्यूट्रल आई वुड से कम्युनिटी इंशाल्लाह. और इस वजह से मैं बार बार ये चीजों को हाईलाइट करता हूँ. अब इसका यूज जो है हम देखते हैं कैसे, और इसकी एग्जांपल क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स के अंदर होता है या मीटर्स के अंदर होता है, वो जीरो हो सकता है. सेकंड वन इज आपके पास यहाँ पे वेट जो है वो किलोग्राम के अंदर होता है, वो जीरो किलोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि जब वेट कोई नहीं है तो वो जीरो है, जिसको हम धड़ा करना भी बोलते हैं या जिसको हम इक्वल करना भी बोलते हैं या कैलिब्रेशन भी बोलते हैं. एज जो है साल के अंदर ये जीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे आगे जाती जाती है. यहां जीरो का मतलब है उस चीज का नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो इसकी एज जीरो है. जैसे ही कोई चीज नमूदार होती है या पैदा होती है या ग्रो करती है, तो वो जीरो से स्टार्ट लेती है. इसका बहुत बड़ा रोल है डेटा एनालिसिस के अंदर, खासतौर पर साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, जो आने वाले दिनों में देखने वाले हैं. इसी वजह से फिजिक्स या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इसका ज्यादा रोल है. बट ऑन द अदर साइड, जहां पर डेटा है वहां पर डेटा साइंस है, और जहां पे डेटा साइंस है वहां पे न्यूमेरिकल इंटरवल्स का बहुत रोल है. और आपको बात बता दूं, ये दोनों जो आपके पास इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है, इनको हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं. न्यूमेरिकल डेटा यानी कि नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, या इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं, 5.9, 5.6, और इनके अंदर आपके पास एब्सोल्यूट जीरो भी आ सकता है. सो पहला जो था हमारे पास वो था कैटेगोरिकल डेटा, इसको हम न्यूमेरिकल डेटा भी बोलते हैं या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों की एज पूछता हूँ सभी से. मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 3, 4, 5. मैंने सभी की एज पूछी, एक ने बताई 15 साल, एक ने बताई 20 साल, एक ने बताई 25 साल, एक ने 30, और एक ने कहा मैं 27 साल का हूं. तो अब आप देखें कि यहां पे ये जो एज का कॉलम है, इट कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यूज. और आपको पता है कि एज जीरो हो सकती है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, और उसको बोला जाता है जीरो में होगा, तो ये होगा इंटरवल स्केल. और जब ये इंटरवल स्केल है, सॉरी दिस इज रेशियो स्केल नॉट इंटरवल स्केल. और जब ये रेशियो स्केल है, इसका मतलब है कि दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल. ठीक हो गया जी. तो यहां तक आपको क्लियर हो गया न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, कैटेगोरिकल क्या होता है. न्यूमेरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर आपके पास नंबर्स हों. इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल्स आर न्यूमेरिकल डेटा. और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, जहां पे नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल हो. अब आपके पास चार स्केल है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, और आपके पास है इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. ये चार के चार स्केल्स आप जरूर देखिएगा और इनको जरूर पढ़िएगा. यहां तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करके आप डिफरेंट स्टोरेज शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम मूव करेंगे एक्सेल के ऊपर. अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपना ख्याल रखें. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.